हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू, एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने देखा था आर्टिनियन और नेथेरियन रिंग क्या होती है और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स बनती थी उन थ्योरम्स का हमने अच्छे से अध्ययन किया था। स्टूडेंट, आज पुनः हम आर्टिनियन और नेथेरियन रिंग का अध्ययन करेंगे, लेकिन साथ में एक और कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा, वह कॉन्सेप्ट है निपोटेंट आर्डियल्स का। यदि आपको आर्डियल का मतलब ही नहीं पता होगा तो निपोटेंट आर्डियल आप कैसे समझेंगे। हालांकि डेफिनेशन को याद रखना आसान है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम हर एक पहलू को बारीकी से देखें व समझें। मैं पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे मैथमेटिक्स में अभी जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उन पर यूज होने वाले जो भी मैथमेटिकल टर्म्स हैं उनका डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। कभी आरडीएल आ गया, कभी रिंग आ गया, तो ये स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा पुख्ता होना चाहिए और इसके हर कोने के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम बात करते हैं निपोटेंट आरडीएल के बारे में। एक आरडीएल आई को या फिर ए को रिंग पर हम क्या कहते हैं, निपोटेंट कहते हैं। यदि उसका पावर एन करने पर क्या मिले आपको, जीरो मिले। ये पावर एन कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये एन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं आखिर में, राइट। पावर तो हम बोल रहे हैं लेकिन और इसका क्या नाम है यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं निपोटेंट इंडेक्स। ए की पावर एन माइनस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो मिले, उस स्थिति में एन को हम क्या कहते हैं, निपोटेंट इंडेक्स या फिर इंडेक्स ऑफ निपोटेंसी, ऐसा हम नाम देते हैं इसको, है ना। इस पावर को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ निपोटेंसी, क्योंकि निपोटेंसी के लिए क्या आ रहा है, इस पावर पर जीरो आ रहा है, उस पावर से कम पावर करने पर आपको क्या मिल रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो मिल रहा है। तो मतलब स्टूडेंट्स यही एक पावर सबसे मिनिमम पावर होगा जिसके कारण से आपको क्या मिले, जीरो। इससे मिनिमम आने पर आपको नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ निपोटेंसी। तो ये डेफिनेशन भी आपके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए। ओके, नाउ नील आरडीएल किसे कहते हैं, एक आरडीएल को हम नील आरडीएल कहते हैं यदि उस आरडीएल के जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, निपोटेंट्स होना चाहिए। निपोटेंट कहने का मतलब उनके कोई एलिमेंट, जैसे कि मैं ए बात कर दिया, जैसे कि मैं बोला ए, ए कोई क्या है, मान लो आरडीएल है। अब इस आरडीएल को हम क्या बोल, आरडीएल को नील आरडीएल कहा जाएगा यदि जितने भी सबसेट मिले इसके, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ ए वन छोटा सा, फिर क्या बोल सकता हूँ ए टू, ये जो सारे के सारे जो छोटे छोटे सबसेट नजर आ रहे हैं ना, ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं। ये एलिमेंट स्वयं क्या होना चाहिए, निपोटेंट होना चाहिए, मतलब इसका पावर एन करने पर क्या मिले, जीरो। ये ए टू का पावर क्या करने, एन करे तो क्या मिले, जीरो। इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक, फिर से देख लीजिए, एक आरडीएल को हम क्या कहते हैं, नील आरडीएल कहते हैं यदि इसके पास जो भी एलिमेंट्स होती हैं वह सारे के सारे एलिमेंट्स स्वयं ही होती हैं, निपोटेंट्स होते हैं, राइट फ्रेंड्स। इस पर बेस्ड हम थ्योरम देख लेते हैं। लेट आर बी अ नेथेरियन रिंग, रिंग आपका क्या है, नेथेरियन रिंग, देन द सम ऑफ निपोटेंट आरडीएल इन दिस रिंग इज अ निपोटेंट आरडीएल। समझ आ रहा है आपको स्टेटमेंट, क्या कहा हमने, एक रिंग आर है, रिंग क्या है आपका आर है, और यह क्या है, नेथेरियन है, ठीक है, नोथेरियन रिंग है ये। अब इस रिंग आर के पास मान लो आरडीएल्स है, आरडीएल्स मैं ए बोल सकता हूँ, आई बोल सकता हूँ, स्वेच्छा से कुछ बोल सकता हूँ। मान लो बहुत सारे आरडीएल हैं, ए वन है, ए टू है, इस प्रकार से हमने आरडीएल ले लिया, कहाँ पर, इस रिंग आर पर, और ये सारे के सारे आरडीएल्स क्या है, निपोटेंट आरडीएल है। तो इनका जो समेशन होगा ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, द सम ऑफ निपोटेंट आरडीएल इन आर इज निपोटेंट आरडीएल। मतलब ये ए वन ए टू ए थ्री अलग अलग निपोटेंट आरडीएल थे उस रिंग आर पर, आपको क्या करना है, इनका योग करके दिखा देना है कि इनका योग करने के बाद जो आरडीएल बनेगा वो स्वयं क्या होगा, निपोटेंट ही होगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट्स। चीजें समझ आए कि नहीं आप सभी को, ओके। लेट आर इज अ नोथेरियन रिंग, रिंग ओके, एंड लेट AI यहां पर लिख लेना, I belongs to index is family of nipotent ideal in R, ये आपका इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। ये दिया गया है R क्या है, कोई रिंग है, नेथेरियन रिंग है, तथा जो आइडियल्स है ना, इसमें बोला गया था कि क्या है, कुछ आरडीएल्स आपके पास है पहले से, देन द सम ऑफ आरडीएल्स, मतलब आपको पहले आरडीएल्स लेना पड़ेगा। ये कुछ आरडीएल्स हैं जो कि क्या है, निपोटेंट आरडीएल्स है, राइट, निपोटेंट आरडीएल्स है। देन वी हैव टू प्रूव दैट बी इज इक्वल टू समेशन ए आई, समेशन ए आई,
I इज इक्वल टू वन से हम क्या करेंगे n तक हम समेशन कर सकते हैं स्वेच्छा से। यहां पर लिखना चाहो तो I के बारे में भी जिक्र कर देना, I बिलोंग्स टू इंडेक्स इज आल्सो निलपोटेंट आर्डियल, निलपोटेंट आर्डियल, ठीक है। सिंस R इज नोथेरियन, नोथेरियन स्टूडेंट्स, इसे नोथेरियन बोलने से ज्यादा अच्छा है। नोथेरियन मतलब या तो आप लेफ्ट नोथेरियन बोल सकते हो या फिर राइट नोथेरियन बोल सकते हो, आपका जो भी इच्छा हो, राइट। क्योंकि इसको रिंग बताना है तो लेफ्ट नोथेरियन रिंग होता है, राइट नोथेरियन रिंग होता है, ठीक। तो हम क्या लेते हैं, लेट आर बी लेफ्ट लेफ्ट नोथेरियन रिंग। ये क्या है, हमने क्या ले लिया, आर को लेफ्ट नोथेरियन रिंग ले लिया। यदि आर जो है लेफ्ट नोथेरियन रिंग है तो इसके जो भी आर्डियल्स होंगी वो क्या होंगे, सारे के सारे लेफ्ट आर्डियल्स होंगी, सारे के सारे क्या होंगी, लेफ्ट आर्डियल्स होंगी। और लेफ्ट आर्डियल्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट मॉड्यूल्स होता है, सिंपल सी बात है, हर एक आर्डियल क्या है, मॉड्यूल्स होता है। तो हम इसको हम क्या ले सकते हैं, जो भी आर्डियल्स लेंगे उसको हम लेफ्ट आर्डियल्स या फिर लेफ्ट मॉड्यूल्स लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इंप्लाइज दैट ईच लेफ्ट आर्डियल इन आर इज अ लेफ्ट मॉड्यूल, लेफ्ट आर मॉड्यूल लिख दीजिए, लेफ्ट आर मॉड्यूल। ओके फ्रेंड्स, ये तो आपका क्लियर है, ठीक है। जो भी मॉड्यूल होता है आप जानते हो आर मॉड्यूल लिखे चाहे कुछ भी हो, अगर इसके पास कोई एलिमेंट्स है तो फाइनेटली जनरेटेड मॉड्यूल हम बना सकते हैं, जो भी एलिमेंट्स हो उसके द्वारा हम उस मॉड्यूल को जनरेट कर सकते हैं, तो ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, हमने क्या बोला कि अगर R जो है लेफ्ट नोथेरियन रिंग है तो जो भी आर्डियल्स होंगी वो सारे के सारे क्या होंगी, लेफ्ट आर्डियल्स होंगी। लेफ्ट आर्डियल्स मतलब क्या होता है, लेफ्ट मॉड्यूल्स होता है। मतलब स्टूडेंट्स, जो भी यहां पर आपने जो भी मॉड्यूल लिया है ये तो सारे के सारे क्या थे, आर्डियल्स थे, तो सारे के सारे लेफ्ट आर्डियल है। तो ये क्या है जी, बी क्या है, अपने आप में एक लेफ्ट आर्डियल है। तो हमने लिखा है मॉड्यूल बी इज जनरेटेड एज लेफ्ट आर्डियल, राइट, या फिर मॉड्यूल की जगह आप आर्डियल लिख सकते थे, ये ज्यादा उचित हो सकता है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, आर्डियल, आर्डियल बी इज जनरेटेड अस लेफ्ट आर्डियल, आर्डियल इसे आप फाइनेटली जनरेटेड लिखोगे ज्यादा उचित है। हम क्या लिखेंगे, फाइनेटली जनरेटेड, जो भी एलिमेंट लेंगे हम क्या लिखेंगे, फाइनेट एलिमेंट ले लेंगे। कंसिडर जब फाइनेटली जनरेटेड की बात होती है तो हम क्या करते हैं, फाइनेट एलिमेंट लेते हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि बी के पास कुछ फाइनेट एलिमेंट होंगी, वो जनरेटर एलिमेंट होगा, वो क्या है एक्स वन कॉमा में एक्स टू, इस प्रकार से स्टूडेंट्स के ले लो स्टूडेंट्स, ओके समझ आ रहा है। हमने क्या ले लिया, ये कुछ एलिमेंट्स ले लिए हमने और वो क्या है फाइनेट एलिमेंट है, और इस बी को इस फाइनेट एलिमेंट के द्वारा जनरेट किया जा सकता है, इसलिए क्या है फाइनेटली जनरेटेड है, राइट स्टूडेंट। देन बी इज इक्वल टू आपने क्या लिया था, समेसन आई इज इक्वल टू वन से एन, ये हो जाएगा ए आई, ए आई आई बिलोंग्स टू इंडेक्स। ये क्या इंप्लाइज करने वाला है फ्रेंड्स, जो भी एलिमेंट्स यहां पर मिलेंगी, यहां पर x1 x2 x3, यहां पर क्या मिलेगा x1 x2 x3 सारे एलिमेंट मिलेंगी। तो यहां पर अगर मैं ऐसा बोलूं xi बिलोंग्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं ai, मतलब स्टूडेंट्स आई की जगह हम वन लिखेंगे तो कहां पर जाएगा, ए वन पे जाएगा, वो क्या हो जाएगा पहला निपोटेंट आर्डियल। अगर मैं यहां पर टू ले लूंगा आई की जगह तो एक्स टू कहां पर जाएगा, ए टू पर, ए टू मतलब क्या है दूसरा नंबर का निपोटेंट आर्डियल। ये चीजें तो समझ आ रही होंगी आप सभी को, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब इस बी के पास जो भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, एक्स वन एक्स टू जो भी लेंगे फाइनेट एलिमेंट है। इंप्लाइज दैट बी इज कंटेनेंट इन सम ऑफ फाइनेट नंबर ऑफ ए आईज, ए आईज मतलब ए वन ए टू ए थ्री ए आईज, ऐसा आप लिख सकते हो। इसी पर क्या करता है, कंटेन करता है, देखिए फाइनेट है सारे चीजें, देखिए दिस इंप्लाइज दैट मैं बी को क्या लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू आप स्वेच्छा से ए वन लिख सकते हो, जो हमने लिखा था उसी को लिख रहे हैं, ए वन प्लस में ए टू प्लस में ए के, सम ऑफ फाइनाइट निलपोटेंट आर्डियल इज निलपोटेंट, ओके फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। सो हैंस सम ऑफ निपोटेंट आर्डियल इन आर इज निपोटेंट, ओके यही हमको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेथेरियन रिंग और निपोटेंट आर्डियल पर बेस्ड एक और थ्योरम देख लेते हैं, छोटा सा बहुत ही बढ़िया थ्योरम है ये, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स आपको कुछ और कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। वो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स लेफ्ट एनहिलेटर का या फिर राइट एनहिलेटर का या फिर बोलिए एनहिलेटर का। तो ये एनहिलेटर होता क्या है इसको पहले हम देख लेते हैं, इन्हीं के माध्यम से आगे आपको थ्योरम को प्रूव करना होगा। दिस लेट एस कोई क्या है नॉन एम्प्टी सेट है किसी रिंग आर में, देन द लेफ्ट आर्डियल, एक लेफ्ट आर्डियल ही है ये, क्या है आर्डियल की जो भी गुण होती है वो आर्डियल की गुण रहेगा इसके पास, एल एस हमने नाम दिया है, एस मतलब कैपिटल सेट है भाई, जो भी हमने सेट किया था शुरू में वो सेट एस है।
एल एस इज इक्वल्स टू उस एलिमेंट को एस के साथ कंपोजिट करने पर आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब इनके साथ जो भी उसका ऑपरेशंस है वो आपको क्या निकाल के देगा, जीरो देगा। ऐसा इसकी क्या है, प्रकृति है, ऐसा उसका गुण है। उस स्थिति में स्टूडेंट्स इस लेफ्ट आइडियल को हम लेफ्ट एनहिलेटर कहते हैं। खासियत क्या है इसकी, एक्स एस, एक्स इंटू एस इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, जीरो मिलता है। स्टूडेंट्स समय आने पर इसके और जो गहराई है एनहिलेटर का उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अपने थ्योरम पर ध्यान देते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा जब हम इस पर और फोकस करेंगे, तो जितना जरूरत है पहले हम उतना देख लेते हैं, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट आर बी नेथेरियन रिंग। आर क्या है, नेथेरियन रिंग है, हैविंग नॉन जीरो नेपोटेंट्स, मतलब जो भी नेपोटेंट्स हैं इसके पास वो जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो भी तो अपने आप में नीपोटेंट ही है। देन आर हैज नो नॉन जीरो नील्स, यदि इसके पास क्या है, नॉन जीरो नीपोटेंट आइडियल है तो आर के पास नील आइडियल नहीं होगा, किसी प्रकार का नॉन जीरो नील आइडियल नहीं होगा। इस बात की हमें पुष्टि करना है। नॉन जीरो नील आइडियल कहने का मतलब क्या, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरीके से जीरो हो। मान लो कोई एलिमेंट हम यहाँ से ए बी या फिर एन ले लिए, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। फ्रेंड्स हमने क्या किया है, यहाँ पर उल्टा काम किया है। मान लिए हैं कि आर के पास एक नील आइडियल है, राइट, नॉन जीरो नील आइडियल है, हमने ले लिया। आर्टिस्टिक एप क्या है, ये पूरी की पूरी लेफ्ट एनहिलेटर का सेट है। आपका नील आइडियल ही स्वयं क्या है, नॉन जीरो है, मतलब कोई जीरो एलिमेंट नहीं रखता है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ आ गया। सिंस आर इज नेथेरियन, आपको एक प्रॉपर्टी साथ में याद रखना है, किसी कोने में लिख लेना, अगर आर जो है नेथेरियन रिंग है तब कोई भी आपके पास जो एनहिलेटर का सेट है, ये पूरा एनहिलेटर का फैमिली है एक, है ना, तो इस एनहिलेटर सेट के पास कम से कम एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। क्यों स्टूडेंट्स, आप याद करो जब हम आपको मॉड्यूल पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने बताया था कोई सेट एस जो होता है मॉड्यूल का सबसेट के, वो उसके पास कोई मैक्सिमल एलिमेंट होता ही होता है। तो यहां पर बोलेंगे कि नेथेरियन रिंग है, मतलब सिंपल सी बात है कि नेथेरियन मॉड्यूल होगा। नेथेरियन मॉड्यूल होगा मतलब क्या है, लेफ्ट आइडियल हो सकता है, तो लेफ्ट आइडियल जो होगा पूरा फैमिली हमेशा एक मैक्सिमल एलिमेंट तो कंटेन करेगा, उसको हमने नाम दिया है एलएन। देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, एक प्रकार का मॉड्यूल ही है नील आइडियल, तो मॉड्यूल का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आर का कोई एलिमेंट है और एन का कोई एलिमेंट है, दोनों का इनटू करेंगे तो कहां पर जाएगा, मॉड्यूल पर, मतलब नील आइडियल पर, हमने ले लिया है उसको, ठीक है। तो इस पर कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको। आप जानते हो नील आइडियल के सारे एलिमेंट्स क्या होती है, नीपोटेंट होती है। ये नील आइडियल का कोई एलिमेंट था और एलिमेंट क्या होगा, नीपोटेंट होगा। नीपोटेंट का परिभाषा आप जानते हो, यहाँ पर एन रख देते हैं या फिर कुछ पावर लगा देते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो नाउ क्लियरली कोई एलिमेंट जो है, वह मान लो हमने जो एलएन बोला है मैक्सिमम एलिमेंट, या फिर एक सेट ही होगा क्योंकि बहुत सारे इसके पास एन1 एन2 एन3 एक फैमिली बनाया जा सकता है सारे एलिमेंट्स का, यहाँ पर जो भी लोगे उसके अनुसार से सेट निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सेट होगा किसका स्टूडेंट्स, एल एन एक्स का। देखिए यहाँ पर एन एक्स लिखे हैं और यहाँ पर ओनली एन है, तो सिंपल सी बात है ये एक दूसरे के सबसेट होंगे। ये क्या है, एन इंटू एक्स, राइट। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, एन एक्स की पावर के माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, ये होगा ही होगा। क्यों, हमने पहले ही बोला था कि ये क्या होता है स्टूडेंट्स, निपोटेंट है, तो निपोटेंट में के माइनस वन जैसे कि यहाँ पर बोले ना निपोटेंट है, तो कभी भी ये क्या होगा, उसका पावर एक कम करने पर जीरो के बराबर नहीं होगा। इसी को बोलते हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ निपोटेंसी, किसको, के को। एन एक्स के माइनस वन जो है ये भी क्या है, एनहिलेटर का एलिमेंट है, कहाँ से पता चला, क्योंकि ये उसका सुपर सेट है, ओके हमने यहाँ पे इसको देख के ले लिया है, कोई भी एलिमेंट क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा, नॉन जीरो हो गया। अब ये कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट एनहिलेटर पे आएगा ही आएगा, तो हमने इसको लिख दिया है लेफ्ट एनहिलेटर के अंदर में क्या होगा, ये आपका एल एन एक्स पावर के माइनस वन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर्टिस्टिक एफ। निपोटेंट के डेफिनेशन से या फिर नील आइडियल के डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स इन दोनों का पावर को आप ऐड करोगे तो फिर से क्या मिलेगा, एन एक्स की पावर के। देखिए फ्रेंड्स एन एक्स किस पर बिलोंग करेगा, एनहिलेटर पे, एन एक्स पावर के माइनस वन पर आएगा ही आएगा, हमने पहले भी इसको बोला था अच्छे से, ठीक है। और एन एक्स बिलोंग्स टू क्या मिलेगा, एन एक्स बिलोंग्स टू एल एन भी मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, आपस में दोनों सबसेट है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, है ना। आप लिखना चाहो तो वहां पर बता देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या मिल रहा है, यदि एन एक्स किसका एलिमेंट है, एल एन एक्स पावर के माइनस वन का, तो आपको क्या मिलेगा, एन एक्स आल्सो बिलोंग्स टू मिलेगा एल एन। स्टूडेंट्स अब एनहिलेटर के डेफिनेशन पे आ जाइए, जैसे कि एनहिलेटर का कोई एलिमेंट एक्स होता है, कोई सेट के साथ हम इंटू करते हैं तो क्या मिलता है, जीरो। अब एनहिलेटर का कोई एलिमेंट है और कोई हम सेट के साथ या फिर एलिमेंट के साथ, मैंने पहले भी बोला था कोई भी एलिमेंट लोगे तो भी उसके इंटू करने पर क्या मिलता है आपको, जीरो मिलता है, यही एनहिलेटर का डेफिनेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, एन एक्स एन इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आर एन आर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
सब जो है रिपीट हो जाएगा, ये दो बार और ये भी दो बार, मतलब आर कितना बार आएगा, चार बार, तो आप कहीं पे किसी भी लिख सकते हो, और एन आएगा दो बार। एक स्टूडेंट्स हमने ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे एक रीजन है। आपको याद होना चाहिए कि x कोई एलिमेंट है, मान लो x इंटू में कोई सेट हम ले लेते हैं, मान लो a इंटू a करेंगे, तो ये a इस पर नहीं लिखना है आपको, ये इसका कोई इंटू नहीं होता, ये तो सेट ही होता है ना, तो हम लिखेंगे एलिमेंट x इंटू a करके, समझ आ रहा है, एलिमेंट x इंटू a। तो यहाँ पर देखिए r रिंग है, एन आर आर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ओनली एन आर लिखेंगे, समझ आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया है, एन आर लिख दिया है। उस इसका आप एक्सप्लेनेशन बगल में कर सकते हो, क्या एन आर इंटू आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर होता है, आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स अब देखिए ये क्या है, ये जीरो के बराबर है, कहाँ से आया ये, एन एक्स एन बराबर में जीरो होता है, तो एन की जगह आप क्या रख सकते हो, स्वयं रिंग को रख सकते हो या फिर एलिमेंट को रख सकते हो, सब चलेगा। आर जो है स्वयं क्या है स्टूडेंट्स, एक अपने आप का सबसेट है और वो एक एलिमेंट है, समझो खुद के लिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इतना का वैल्यू जीरो, तो आर एन इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आर एन टू जीरो जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या स्पष्ट हुआ स्टूडेंट्स, आर एन आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, जीरो, मतलब क्या मिलेगा, आर एन आर इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये r इंटू एन इंटू आर इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, अब ये क्या बताता है, यहीं से एक रिजल्ट मिलने वाला है, कभी r जो है जीरो नहीं होता, रिंग को हम जीरो नहीं लेते, मैं बोलता हूँ कि वन बिलोंग्स टू r, तो पक्का है आपको क्या मिलेगा, ये दोनों क्या है, जीरो नहीं है, तो आपको n बराबर ही जीरो मिलेगा। लेकिन ये कंट्राडिक्शन है, कैसे, आपने तो n को डज नॉट इक्वल टू जीरो बोला था, लेकिन आपको यहाँ पर क्या मिल गया, n इज इक्वल टू जीरो मिला है, राइट मतलब यहाँ पर कंट्रडिक्शन आया है, तो यहाँ पर बता सकते थे कि आर के पास एन नील आइडियल नहीं है, हमने यहाँ पर है करके लेकर चला था, तब जाके हमारा कंट्रडिक्शन आ चुका है, किसका कंट्रडिक्शन आ गया, हमारे एनहिलेटर पर कंट्रडिक्शन आ गया, ठीक है। तो एन नील आइडियल जैसा कोई चीज नहीं है इस आर के पास, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कंट्रडिक्शन हो गया। अब सो इन दिस केस आर डन, यहाँ पर आपका केस कंप्लीट हो चुका है, जो भी आपने थ्योरम बोला था वो थ्योरम प्रूव हो चुका है स्टूडेंट्स। ओके, दूसरा एंगल क्या हो सकता है, हम दूसरा एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, एन को क्या मानते हैं स्टूडेंट्स, हम एन को हम एक जनरेटर एलिमेंट मानते हैं, किनके, रिंग और एलिमेंट का हमने क्या किया है, एक कंबाइंड कनेक्शन बनाया हुआ है, वो भी क्या है, जनरेट होता है इस एन से, ऐसा हमने कहा। मान लो हम कोई सेट कर लेते हैं ए, ए इज इक्वल टू हमने बोल दिया है एन इंटू आर, आर इंटू एन, इसका स्क्वायर कर देंगे, मान लो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। कहां से पता चला, ऊपर देखिए, अगर आप जानते हो इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसा कुछ आगे चलकर मिलने वाला है, सारा चीज मिल गया आपको, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर जीरो ही मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर टू और थ्री को, ये एन जैसा का तैसा है, एन जैसा का तैसा है, और यहां पर हम क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, ए, तो हमने ए रख दिया है, ये वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा ऊपर से, और बच जाएगा क्या, एन इंटू जेड, तो हमने लिख दिया है ए प्लस में एन इंटू जेड, एन बराबर इतना आएगा, हमने लिख दिया है, ठीक है, हमने ये लिख दिया स्टूडेंट्स। ओके देखिए स्टूडेंट्स, एन जो है नील आइडियल का एलिमेंट है, ठीक है, हमने लिख दिया है एन बिलोंग्स टू एन, ये नेचुरल नंबर है मत बोल देना, एन मतलब क्या है, नील आइडियल का एलिमेंट, ये हमने शुरू में बोला था ना, एन क्या है, नील आइडियल है, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए प्लस में एन जेड की पावर हम क्या कर दिए, के कर दिए। देखिए इस पूरे का पावर अगर आप क्या करते हो, के करते हो, फिर से स्टूडेंट्स ये जीरो मिलेगा और इसको भी ये जीरो कर देगा, सारे चीज क्या मिलेंगे, जीरो मिलेगा। अगर ये जीरो मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस पूरे को जीरो कर दोगे, सारे चीज जीरो मिल जाएगा, मतलब फिर से क्या मिलेगा आपको, एन इज इक्व टू जीरो मिलेगा, एन इज इक्व टू जीरो मिला। अब फिर से आपको क्या मिला, एन इज इक्व टू जीरो, ये फिर से कंट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि आपने एन को कभी जीरो लिया ही नहीं था, क्या लिया था आपने, जो भी एलिमेंट लिया था वो नॉन जीरो एलिमेंट लिया था, राइट, नॉन जीरो एलिमेंट लिया था, लेकिन आपको तो यहाँ पर जीरो एलिमेंट मिल रहा है, फिर से कंट्राडिक्शन हो गया। सो और एजुम्सन एन इज नील आइडियल इन आर, जो कि हमने शुरू में लिया था, वो क्या है स्टूडेंट्स, रॉन्ग है, ठीक है, तो राइट क्या होगा, हैंस आर हैज नो नॉन जीरो नील आइडियल, ये आपका थ्योरम का प्रूफ होगा स्टूडेंट्स। तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, थ्योरम को अच्छे से लिखिए अपने कॉपी में, ओके। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी को आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नेथेरियन मॉड्यूल और आर्टिनियन मॉड्यूल का ये जो चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है, तो आपसे पुनः मेरा मुलाकात होगा स्टूडेंट्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।